फिरोजाबाद में देर रात दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों से एक एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। दरअसल मामला थाना सरसागंज के दरगाहपुर का है, जहां देर शाम दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे, जिसमें एक व्यक्ति संतोष की मौके पर हुई मौत, जबकि दूसरे घायल व्यक्ति विकास की मौत इलाज के दौरान हो गई। वहीं दो लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज ट्रामा में चल रहा है। बताया जाता है कि दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद चला आ रहा है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर पहले भी जान से मारने तक का आरोप लगा चुके हैं। कल देर शाम मृतक संतोष अपनी कार से जा रहे थे और मृतक विकास अपने साथी के संग बाइक पर सवार था। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और खूनी संघर्ष हुआ और यह संघर्ष दो लोगों की खून की धार के साथ समाप्त हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मौके से कारतूस के खाली खोके के साथ एक अल्टो कार, मोटरसाइकिल बरामद। अच्छा, आपके साथ कौन कौन लोग थे और किन किन लोगों की गोली लगी है, किन लोगों ने गोली चलाई है? अच्छा, ये बताइए आपके साथ और कोई भी लोग हैं जो गोली से घायल हुए हैं? वो कौन लोग हैं? आज क्या कहते हैं, शाम को 7 बजे करीब मैं अपने घर पे था, मुझे दरोगा जी ने फ़ोन करके बुलवाया, मुझे बंद कर दिया थाने में। मेरे भाई मुझे देखने के लिए, छुड़ाने के लिए आए, रास्ते में उन्होंने मुझे मेरे भाइयों को घेर लिया, एक की गोली मार दी, उसकी डेथ हो गई, एक की चोट है। कौन लोग हैं, किस बात को लेकर विवाद चला रहा है? सजीत दरगाहपुर अमौर, क्या मामला हुआ है, क्या घटना हुई है? ये सिरसागंज थाना क्षेत्र में दरगाहपुर अमौर है। यहाँ पे जो रोड जाती है, मेन रोड पे ही आज एक घटना हुई है। इसमें मौके पे तो पहले दो गाड़ियाँ मिली है, जिसमें एक अल्टो गाड़ी थी और एक मोटरसाइकिल थी, दोनों में टक्कर हुई है और दोनों के अल्टो का बोनट टूटा हुआ है, मोटरसाइकिल भी टूटी हुई है। इसके बाद वहाँ पता लगा कि दो इंजर्ड मिले हैं, एक को गोली लगी थी, मौके पर उसकी डेथ हुई है, और दूसरा जो अस्पताल ले जा रहा था वो अल्टो वाला, उसकी भी डेथ हो गई है।